हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट चिकन की रेसिपी। आज मैं आपको बहुत ही अलग और अनोखे तरीके से बनाना बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीका है। शायद ही इस तरीके से आपने कभी बनाया होगा, तो एक बार मेरे तरीके से भी जरूर बना के ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने बनाया कैसे है इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये कढ़ाई लिया है, इसमें हम 125 ml ऑयल डालेंगे। सरसों का ऑयल ही लेना है, 125 ml के करीब हमने ऑयल लिया है। अगर आपको ऐसे मेजरमेंट नहीं आता तो 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल का डाला है इसमें। सरसों का ऑयल ही लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसके बाद हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। इसका कलर चेंज हो गया था, अभी हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। प्याज हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, प्याज डालने से फ्रेंड्स ये मीठी मीठी ग्रेवी सी हो जाती है, इसलिए हम 2 मीडियम साइज़ के रफली प्याज कर लिए, कट कर लिए, वो डाल दिए हैं। साथ में हम इसमें चिकन डाल देंगे। प्याज और चिकन को साथ में ही फ्राई करेंगे, तो चिकन को अच्छे से साफ पानी से धो के ही आपको यूज में लेना है। तो हमने अच्छे से साफ पानी से धो के फिर इसमें कढ़ाई में डाल रहे हैं। तो ये देखिए सारा चिकन हमने इसमें डाल दिया है और इसको प्याज के साथ अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो में बने रहे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। बहुत ही अलग तरीके से हमने ये बनाया, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा इसका अच्छा आया है। चिकन सभी बनाते हैं लेकिन सबका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो ये देखिए चिकन को हमने इसके प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए चिकन को, चिकन को ऐसे फ्राई करके आप बनाओगे तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बनेगा। तो इसको हमने 5 मिनट फ्राई किया है। अभी हम क्या करेंगे, ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, ये इसमें ऐसे 2 कट लगाए हैं टमाटर में, मैंने 2 भागी किया है, ये इसमें सीधा डाल देंगे। हमें ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हमें टमाटर इसमें डाल देना है। टमाटर को भी हम इसके साथ भून लेंगे, अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अभी हम इसमें ढक्कन बाद में लगाएंगे, पहले इसमें एक चीज़ और डाल देते हैं। पहले इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का ले लिया है, इससे टमाटर क्या है कि जल्दी गल जाएंगे। तो बाद में हमें क्या करना है मैं बताती हूँ, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से हमें चला देना है। इसको थोड़ा सा पलट देती हूँ जिससे अच्छे से टमाटर गल जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा के इसको भी हम 5 मिनट पकाएंगे। गैस को मैंने हाई फ्लेम में कर रखा है, फुल फ्लेम पे है गैस, और 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने 5 मिनट अच्छे से पका लिया है और अच्छे से इसमें उबाल आ गए हैं, चिकन ने भी अच्छे से पानी छोड़ दिया है, ये देख सकते हो आप। अभी हम क्या करेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। ये अभी पक्का नहीं है तो इसको फिर से ढक्कन लगाएंगे। तो मैंने फिर से ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट और पका लिया है। अभी ये टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अगर गलने के बाद ही इसका छिलका उतरेगा तो पहले मैं मिक्स कर देती हूँ। और ये देखिए अभी थोड़ा गल गया है ये, थोड़ा सा ऐसे इसको दबा देते हैं जिससे जो छिलका होता है आसानी से निकल जाएगा। अभी हम ये जो ऊपर का इसका जो छिलका होता है वो हटा लेंगे, अभी आसानी से ये निकल जाएगा। आपको बीच में चेक कर लेना है कि टमाटर पका है, टमाटर पकने के बाद ही ये छिलका अलग होगा। तो ऐसे ही मैं सभी टमाटर के छिलके अलग कर लूँगी। छिलके अलग करने से क्या होगा कि फ्रेंड इसकी ग्रेवी जो होती है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और ऐसे चम्मच की सहायता से इसको ऐसे दबा देंगे जिससे ये अच्छे से पेस्ट जैसा बन जाएगा। अच्छे से हमें देखिए टमाटर बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, अच्छे से गल चुके हैं। हमने साबुत टमाटर डाला था फिर भी ये देखिए। अभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और ये 20 कलियों का ये लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे। ऐसे आप देखो तो 2 छोटे चम्मच के करीब हमने पेस्ट लिया है और साथ में पानी धो के डाल देंगे ताकि ये लहसुन का पेस्ट वेस्ट ना जाए। अभी हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये इन सबके साथ चिकन के साथ मसाले को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से चला देना है। और गैस को आपको मीडियम लो फ्लेम नहीं करना है, एकदम फुल फ्लेम पे रखना है जिससे मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा चिकन के साथ।
तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, कलर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आया है। इस तरह टमाटर अगर गला के आप बनाओगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी मसाले को भी हम 5 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से मसाला भुन गया है, चिकन के साथ हमने अच्छे से भून लिया है और ऑयल ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से पका लिया, अच्छे से भून लिया मसाले को। ये देखिए इस तरह मसाले को भून के आप बनाओगे तो इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और ये कलर देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। हमने ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया है, अपने तीखेपन के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो। अभी हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, तो मैं आधा लीटर पानी ले रही हूँ। चिकन 1 kg चिकन है उसमें मैं आधा लीटर पानी का यूज करूँगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सदस्य हैं तो इसमें पानी आप ज़्यादा भी मिला सकते हो, लेकिन मैंने आधा लीटर ही बनाया है। अगर आपको कम ग्रेवी पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हो। आधा लीटर पानी से चिकन अच्छे से पक जाएगा, तो 10 मिनट इसको पकाएंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अभी इसको थोड़ा चला देते हैं। अगर आप चिकन को 20-25 मिनट दोगे तो चिकन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए थोड़ा ये गल चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम इसको थोड़ा और पकाएंगे, उससे पहले हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, थोड़ा सा और पकाना बाकी है। तो ये मैं मीट ये सॉरी चिकन मसाला लिया है 1 छोटे चम्मच के करीब, ये इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला भी ले सकते हो, या स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमने लहसुन डाला है उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अभी इसको ढक के हम 3 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि अभी चिकन भी थोड़ा कम गला है। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं, अभी देखते हैं। ये देखिए आपको ऐसे स्टीम लग रहा है तो दिख नहीं रहा अच्छे से, मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन बहुत ही धुआं धुआं जैसा ये दिख रहा है, तो आपको आसानी से नहीं दिखा पा रही हूँ। ये देखिए अभी मैंने गैस को थोड़ा मीडियम लो फ्लेम किया है तभी अच्छे से दिख रहा है, नहीं तो बहुत ही धुआं जैसा लग रहा था। और अभी हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डाल के इसको मिक्स करते ही हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को मैंने एकदम मीडियम लो फ्लेम कर दिया है इस टाइम। तो अभी मैंने गैस को भी बंद कर दिया है और ये हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है। हरा धनिया के डालने के बाद आपको जस्ट बंद कर देना है, नहीं तो इसका अच्छा फ्लेवर नहीं रहता है हरा धनिया का। और ये देखिए इसकी ग्रेवी देख सकते हो, एकदम ठीक ठीक बनी है, थिकनेस अच्छी आई है इसमें और एक गाढ़ी गाढ़ी लग रही है ये देखिए, और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना। इसको आप चपाती के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये। अगर मेरी चिकन की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।